क्या हुआ जब एल्विश यादव का सामना उनके दो दोस्तों से हुआ, और वो भी वो दोस्त जो उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, और उनसे मुलाकात एल्विश यादव की हुई, आमना सामना हुआ, वो भी सीधा कोर्ट में। जब एल्विश यादव गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचे अपनी बेल की हेयरिंग के लिए, देखिए वहां पर उनका सामना हुआ उनके दो दोस्तों से, ईश्वर और विनय, जिनको आज नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी इल्ज़ाम में रेव पार्टी में ही जहर का इस्तेमाल करने के लिए देखिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, और अब पूछताछ जारी है एल्विश यादव के दो दोस्तों से भी। हालांकि जब उन्हें ले जा रहे थे तो मीडिया से बात करते हुए एक दोस्त विनय ने बोला कि देखिए कोई भी ऐसा रेव पार्टी नहीं हुआ है जिसमें हम या एल्विश यादव इन्वॉल्व्ड थे, और हम किसी रेव पार्टी का हिस्सा नहीं थे, ऐसा उन्होंने मीडिया से कहा है। इसके अलावा आज बेल हियरिंग थी, और देखिए क्या आमना सामना में बात हुई है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेल हियरिंग जो आज होनी थी, वहाँ से एल्विश यादव की फैमिली के लिए एक बुरी खबर आई, और वो ये कि देखिए जमानत नहीं मिल पाई क्योंकि जो लॉयर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए। एल्विश यादव की तरफ से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और लॉयर गौरव भाटिया ने अपना केस प्रेजेंट किया था, बट उनकी बहसबाजी हो गई दूसरे लॉयर्स से, और देखिए लॉयर्स का स्ट्राइक हो गया, एंड इस वजह से जमानत आज एल्विश यादव को नहीं मिल पाई। तो एक गलत बात थी, मतलब बुरी बात थी एल्विश यादव की फैमिली के लिए। दूसरा, एल्विश यादव की सिस्टर ने एक स्टेटस डाला है आज, और उन्होंने सभी सपोर्टर्स से ही सपोर्ट करने के लिए और उन्हें स्ट्रांग रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे लड़के को सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको प्यार की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली ये बुरा वक्त भी जो है बीत जाएगा। हर कोई एल्विश यादव के साथ है, आज उनके क्लोज फ्रेंड्स हों चाहे उनकी फैमिली हो, हर कोई एल्विश यादव के साथ है। और देखिए हर कोई एक ही बात बोल रहा है कि एल्विश यादव को फंसाया जा रहा है। अब देखिए वो तो जब पता चलेगा, जब खुलासा होगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर कौन कल्प्रिट है, और अगर कोई फंसा रहा है तो वो कौन है, वो भी खुलासा तभी हो पाएगा। लेकिन आज एल्विश यादव का जब आमना सामना हुआ अपने दोस्तों से, वो भी कोर्ट में सीधा, और उन्होंने देखा कि पुलिस वालों ने उनके दोस्तों को भी पकड़ लिया है, तो एल्विश यादव बहुत ज़्यादा सहम गए और बहुत ज़्यादा घबरा गए वो अपने दोस्तों को वहाँ पर देखकर। और देखिए बहुत ही ज़्यादा वो चेहरे पर फिर भी भले ही ना दिखा पा रहे हों, बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और वो बस सामने से रोना नहीं चाह रहे हैं लेकिन अंदर से उनके फेस पर दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं वहाँ पर। एंड डेफिनेटली अगर वो बेगुनाह हैं तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।